अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि बेबूदी लिफ्ट में बंद है? जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो हमें इनकी आवाज सुनाई दी। हम ढूंढने लगे तो फिर लिफ्ट को कान लगाया तो फिर पता चला कि ये अंदर है। अच्छा, ढूंढ तो हम सब भी रहे थे पर हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। फिर तुम्हें कैसे आई? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बेबोदी को लिफ्ट में? ए, कुछ भी बोले जा रही है? भला किया था हम भी इल्जाम लगा रही है तो? इनकी मदद करनी नहीं चाहिए थी हमें। एक एक मिनट, अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम वहां नहीं जाते ना, और लोगों को नहीं बताते कि अंदर बंद है। क्योंकि तुम डर गई थी, तुम्हें लगा अगर मॉम को कुछ हो गया तो पुलिस तो गुनहगार को ढूंढ ही लेगी ना। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ऑफ कोर्स, अरेस्ट कर लीजिए मुझे, क्योंकि इस घर में कुछ भी गलत होगा तो एग्जाम तो मेरे ही सर पे डाला जाएगा ना। हम क्या कर रही है तू? आमू ने कुछ नहीं किया है। आई रहने दे, इट्स ओके। मैं और खुद को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये लोग तो लगाएंगे ही ना मुझ पे इल्जाम। लेकिन मैं जानती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए कानून भी मेरा कुछ करेगा नहीं। चलिए मैं, आप भवानी चिटनेस हैं? नहीं, मैं अमृता। कंप्लेन भवानी चिटनेस के नाम की दर्ज की गई है। क्योंकि उन्होंने बबीता आहूजा को जान से मारने की कोशिश की है। कौन है आप में से? भवानी? मैं हूँ, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं किया। अरेस्ट करो। अरे, मैंने कुछ नहीं किया। आप ये गलत कर रहे हैं। आई को इस सब में मत घसीटिए, उसने कुछ नहीं किया है। मैडम, देखिए, भवानी हमारे साथ ही थे, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, आमू को कुछ नहीं पता है। आप गलत कर रहे हैं फिर से। मेरी आई निर्दोष, मुझे ये सब घटिया खेल खेलना नहीं आता। लेकिन मुझे आता है बदला लेना। तुमने मेरी मॉम पे अटैक किया ना, तो बस उसी का जवाब है। चलो इन्हें लेके चलो। अरे इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। देखिए, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।